हे गाइस, वेलकम टू क्रेजी बर्ड। मेरा नाम प्रदीप है। फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम से हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ऐसे ही ना जाने कितने सारे प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं, राइट? मतलब ये बात तो साफ है कि डिजिटल कम्युनिकेशन का, डिजिटल बिजनेस का या फिर हम कहें मार्केटिंग का जमाना है। मगर क्या आपने कभी सोचा कि ये इंटरनेट चलता कैसे है? क्या ये केबल्स के थ्रू चलता है या फिर कोई सैटेलाइट है जो इसको चलाता है? और अगर ये बंद हो गया तो क्या होगा? इस कोविड पैंडेमिक में एवरीथिंग वाज ऑन लॉकडाउन, तो अगर इंटरनेट सर्विस भी बंद हो जाती तो हमारे लिए टाइम स्पेंड करना कितना मुश्किल हो जाता, और क्या हम एक दूसरे को कनेक्ट रख पाते? तो फ्रेंड्स, इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। और इस वीडियो में आपको एक न्यूज़पेपर आर्टिकल है जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर से मैंने लिया है, बहुत ही शॉर्ट आर्टिकल है। उस आर्टिकल को हम पढ़ेंगे और अपने न्यूज़पेपर रीडिंग की प्रैक्टिस भी करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको अब बताता हूँ कि जो ये इंटरनेट है ये ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के थ्रू चलता है। जी हाँ, जिसे सबमेराइन केबल सिस्टम भी कहते हैं। अच्छा, ये सब तो सही है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इस टाइम मैं केबल सिस्टम के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, राइट? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि गूगल ने दुनिया का सबसे बड़ा सबसी केबल सिस्टम बनाने का डिसीजन लिया है। यस फ्रेंड्स, द हिंदू न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा है, आज हम उसी के डेटा को एनालाइज करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता चलूं कि जो ये केबल्स हैं, फाइबर केबल्स, ये इनका जो डायमीटर होता है वो लगभग 25 मिलीमीटर या फिर 1 इंच के बराबर होता है, और इनको समुद्र के अंदर बिछाया जाता है। फिर कंट्री वाइज या कंटिनेंटल जोन्स के हिसाब से इनको कनेक्ट किया जाता है। आर्टिकल स्टार्ट होता है विद द न्यू केबल। द टेक जायंट एम्स टू बोल्स्टर इंटरनेट कनेक्टिविटी टू यूजर्स इन साउथ अमेरिका एंड इन्हेंस इट्स एग्जिस्टिंग केबल इन्वेस्टमेंट्स इन द रीजन। मतलब ये जो नया केबल सिस्टम गूगल लेके आ रहा है, इसकी हेल्प से जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है उसको बोल्स्टर कर पाएगा, मतलब उसको ताकत प्रदान कर पाएगा और ही मजबूत बना पाएगा साउथ अमेरिका के साथ। उसको उसका जो एग्जिस्टिंग केबल का इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ा पाएगा। फ्रेंड्स, देखिए, ये जो केबल सिस्टम है ये साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, जो एक दो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके बीच में बिछाया जा रहा है, राइट? आगे चलते हैं। गूगल ऑन वेडनेसडे सेड इट इज़ बिल्डिंग एन ओपन सबसी केबल दैट विल कनेक्ट द ईस्ट कोस्ट ऑफ द यूएस एंड लॉस टोनिनास अर्जेंटीना विद एडिशनल लैंडिंग्स इन ब्राज़ील एंड उरुग्वे। वेडनेसडे को गूगल ने अनाउंस किया कि सबसे बड़ा सब केबल बना रहा है, और ये जो पूर्वी तट है अमेरिका का, वहाँ से अर्जेंटीना, ब्राज़ील और उरुग्वे जो देश हैं ये साउथ अमेरिका में आते हैं, इनको कनेक्ट करेगा, राइट? विद द न्यू केबल द टेक जायंट एम्स टू बोल्स्टर इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये हम कवर कर चुके हैं। द फर्मिना केबल, अब देखिए, जो ये केबल है इसका नाम फर्मिना रखा गया है, राइट? और ये क्यों रखा गया है? द फर्मिना केबल नेम्ड आफ्टर ब्राजीलियन एवोल्यूशनिस्ट एंड ऑथर मारिया फर्मिना विल बी द लॉन्गेस्ट केबल इन द वर्ल्ड। मतलब ये जो रखा गया है ये ब्राज़ील की एक धर्म सुधारक हैं, दास प्रथा का जो विरोध करती आ रही थी, मारिया फर्मिना, उनके नाम पर ये इसका नाम फर्मिना रखा गया है। इट इज़ कैपेबल ऑफ रनिंग एंटायरली फ्रॉम अ सिंगल पावर सोर्स एट वन एंड ऑफ द केबल इफ इट्स अदर पावर सोर्स बिकम टेम्पररीली अनअवेलेबल। और इसमें एक खासियत होगी इस केबल सिस्टम में कि ये सिंगल पावर सोर्स, मतलब एक ही सोर्स अगर पावर का होगा तब भी काम कर पाएगा, चाहे दूसरे छोर पर उस केबल के कोई पावर सोर्स हो या ना हो। विद 12 फाइबर पेयर्स द केबल विल कैरी ट्रैफिक क्विकली एंड सिक्योरली बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, गिविंग यूजर्स फास्ट लो लेटेंसी एक्सेस टू गूगल प्रोडक्ट्स सच एज जीमेल, यूट्यूब एज वेल एज गूगल क्लाउड सर्विसेज। मतलब ये जो होगा 12 फाइबर का एक पेयर होगा, और ये जो इंटरनेट की स्पीड है उसको बहुत ही कम रुकावट के साथ और बहुत तेज़ी से एक्सेस कर पाएगा, प्रोवाइड करवा पाएगा। और जो गूगल की सारी सर्विस हैं जैसा जीमेल हो गया, यूट्यूब हो गया, इनफैक्ट गूगल की क्लाउड सर्विसेज, उन सबको एनरिच कर पाएगा। विथ फर्मिना गूगल हैज़ नाउ इन्वेस्टमेंट्स इन 16 सबसी केबल्स इंक्लूडिंग डोनेंट, इक्वेनियो
एंड ग्रेस होपर, मतलब अब इस फर्मिना प्रोजेक्ट के साथ अब गूगल के पास टोटल 16 प्रोजेक्ट हैं, जो ये जो दिया है न्यूज़पेपर के आर्टिकल में कि डूनेंट, इक्यूएनओ, ग्रेस होपर, ऐसे बहुत सारे जो एरियाज हैं वहाँ प्रोजेक्ट ये काम कर रहे हैं। द अनाउंसमेंट कम्स एट द टाइम व्हेन द डिमांड फॉर क्लाउड एंड इंटरनेट सर्विसेज हैज सर्ज्ड। सर्ज का मतलब होता है मतलब रुक जाना, बहुत ज़्यादा, मतलब बाजिंग, आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक तरीके से बहुत बड़ा बहाव, ठीक है, चौक हो जाना एक तरीके से, ड्यू टू एन इंक्रीज्ड ऑनलाइन एक्टिविटी ड्यू टू द पेंडेमिक। मतलब ये जो अनाउंसमेंट है ये तब आया जब पेंडेमिक में क्या, आप फ्रेंड्स पता है पेंडेमिक में क्या हुआ कि जो इंटरनेट सर्विसेज है ना उनका बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा, लोग घर पे थे, बोर हो रहे थे, तो उन्होंने इंटरनेट यूज़ करना ज़्यादा अच्छा समझा, तो ये जो सर्विसेज हैं इनकी रिक्वायरमेंट इस समय ज़्यादा पाई, इसलिए गूगल ने ये सही टाइम है जब ये जो अपना प्रोजेक्ट है इसको लॉन्च करने का अनाउंसमेंट किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक बहुत ही छोटा सा आर्टिकल था, आई होप ये इन्फॉर्मेशन बहुत काम की थी, थैंक्स वेरी मच, बाय बाय।